नगर निगमों के चुनावों को लेकर भाजपा ने प्रदेश में दो निर्णय लिए थे। पहला निर्णय कांग्रेस की चुनौती पर सिंबल पर चुनाव करवाए गए, जिसमें भाजपा को कांग्रेस के आमने सामने की टक्कर देखने को मिली। दूसरा निर्णय एंटी डिफेक्शन लॉ को भी चुनावों में लगा दिया गया। ये दोनों निर्णय खासकर पालमपुर, धर्मशाला और सोलन में बेहद गलत साबित हुए, या यूं कहें कि भाजपा के गले की फांस बन गए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अब भाजपा चाहकर भी अपनी नगर निगम नहीं बना सकती। अगर वह कांग्रेस खेमे भी सेंधमारी भी करती है तो भी वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकती। ये जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज वर्मा ने मीडिया को दी। अधिवक्ता मनोज वर्मा ने बताया कि कोई भी नेता किसी भी दूसरी पार्टी में पद और धन के लालच में शामिल ना हो जाए, इसके लिए ये कानून बनाया गया था। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा जिस पार्टी को बहुमत दिया जाता है वह उस पर कायम रहे और वोटर की गरिमा को कोई आंच ना आए, इसके लिए ये कानून बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ये कानून आजाद रूप से चुनाव लड़े नेता पर भी लागू होता है। वह किसी भी पार्टी को बाहर से तो समर्थन कर सकता है, लेकिन पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है। उन्होंने भाजपा नेताओं को सलाह दी और कहा कि भाजपा सरकार जब खुद एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आई है तो उनका कर्तव्य बनता है कि वे जनता के फैसले का स्वागत करें और जोड़ तोड़ की राजनीति से दूर रहें। मतलब हमने बचपन में सुना था कि आया राम गया राम, तो वो एक गया राम जो थे शायद विधायक थे हरियाणा के, और उनका ये था कि उन्होंने एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन की थी और फिर उसी दिन करीब 8-9 घंटे बाद दोबारा से वापस पिछली पार्टी में चले गए थे। तब ये महसूस किया गया था कि इस तरह का एक कानून होना चाहिए जो जनता और जो नेता हैं उनकी जो निष्ठाएँ हैं और जो उनका विश्वास है वो कायम रहे। जनता जो है किसी एक पार्टी को वोट कर रही है तो उसका नेता जो है जीतने के बाद दूसरी पार्टी में ना चल जाए, क्योंकि वो एक विश्वासघात हो जाता है जनता के साथ, तो उसको रोकने के लिए ये बनाया गया था। और 1985 में फिर हमारे पार्लियामेंट में ये संशोधन लाया गया, हमारे संविधान में 52वें अमेंडमेंट किया गया, उसके तहत फिर ये कानून बना। ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि जो उम्मीदवार आज़ाद है और वो आज़ाद जीतता है वो किसी दल का सहयोग तो कर सकता है लेकिन वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर वो पार्टी ज्वाइन करता है तो भी वो इस कानून के दायरे में आता है और उस सीट को डिस्क्वालिफिकेशन को लिए या वैकेंट होने के लिए, खाली करवाने के लिए वो इस कानून का फिर सहारा लिया जा सकता है। जो भी पार्टीज हैं, जो भी दल हैं, उनको नैतिकता का एक स्तर प्राइवेट लाइफ पब्लिक लाइफ में मेंटेन करना चाहिए। और जनता ने जो मैंडेट दिया है, अगर आप सीधे रास्ते से चुनाव नहीं जीते हैं तो ये जो बैकडोर की एंट्रियां हैं, पिछले रास्ते से सत्ता में आने का जो ये सिस्टम चल रहा है, इसको खुद नैतिकता के आधार पर नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह का कुछ किया जा रहा है तो ये बहुत गलत है। और अगर कुछ इस तरह की वो बात करते हैं और कोई लोग उनके साथ पद के लालच में या पैसे के लालच में या किसी अन्य कारणों से उनके पक्ष में जाते हैं तो निश्चित रूप से ये, क्योंकि सिंबल पे चुनाव हुआ है और सरकार ने इसको इसीलिए सिंबल पे करवाया था कि इस तरह की कोई बात ना हो, क्योंकि